हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है विस्कोसिटी, और इसी का ही नाम है फ्लूइड फ्रिक्शन। इसको फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा, सम लिक्विड ऐसे भी हैं जिसमें वाटर, ईथर जो है वो बहुत ही जो फ्लो है उसका बहुत ही तेज़ी से होता है, रैपिडली फ्लो होते हैं। और कुछ लिक्विड ऐसे भी है जैसे हनी है, ग्लिसरीन है, और इसके अलावा कैस्टर ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, मशीन ऑयल है। इसकी जो फ्लूडिडिटी है और या फिर जो फ्लो होने की जो पावर है वो बहुत ही स्लो होती है, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो विस्कोसिटी जो है वो क्या है, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्लूड टू फ्लो, या फिर आप कह सकते हो द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो पॉजेस्ड बाई ए लिक्विड। तो ये जो विस्कोसिटी है इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसको जो लेयर्स के बीच में होती है, ठीक है, उसे कहते हैं हम क्या, विस्कोसिटी। तो हाई इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो किसके अंदर है, जैसे कैस्टर ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, ठीक है ना, हनी है इसका एक एग्जांपल, वेजिटेबल ऑयल के अलावा इसका एग्जांपल में ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन आपने देखा होगा, इसकी भी विस्कोसिटी जो है बहुत हाई होती है। तो हाई विस्कोसिटी का जो रीजन है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस, और वो किसकी वजह से हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। और जिसमें जो फ्लो होने की पावर है वो बहुत ही स्लो होती है, तो उसमें हम कह सकते हैं वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, लाइक वाटर है, ठीक है, वाटर है, ईथर है, इनमें कौन सा हो जाएगा हमारा, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके आगे अगर हम इसको डिस्कस करें तो यही नहीं कि ये एग्जांपल हो गए, डेफिनेशन होगी और विस्कोसिटी खत्म होती है, नहीं। अगर ध्यान से देखा जाए तो विस्कोसिटी अब शुरू होती है यहाँ से। अगर मैं लेयर की बात करूँ तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, एक पाइप है, ठीक है, ये पाइप रेड कलर का एक पाइप है इस तरीके से, जिसमें से पानी को फ्लो करवाते हैं। तो इस पाइप के अंदर जो आपके वाटर की लेयर है, यहाँ पर ये वाटर की लेयर अगर मैं माने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक और लेयर बना देता हूँ मैं 7, ठीक है, ये 7। तो जो सबसे ज़्यादा स्पीड होगी वो 1, 2, 3, 4, इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होगी फ्लो होने की, उसके बाद ये होगी, उसके बाद ये होगी, और सबसे लास्ट में जो है, जो ये फिक्स आपकी, जो ये फिक्स रेड कलर की जो पाइप है, ठीक है ना, ये फिक्स लेयर बोल सकते हैं इस रेड कलर के पाइप को, यानी ये मूव नहीं कर रहा है, यहाँ इसके अंदर पानी ही मूव कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो है वो बिल्कुल बीच में है उसकी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये फिक्स लेयर है, यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ मैंने ग्रेडिंग सिस्टम लगा दी, ये ग्रेड जब से ज़्यादा है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, तो इसी को बोलते हैं लैमिनर फ्लो, ठीक है ना। यहाँ से एक और नया कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, लैमिनर फ्लो। तो एक और डेफिनेशन यहाँ से आई है लैमिनर फ्लो, जिसको हम बोल सकते हैं दिस टाइप ऑफ फ्लो इन विच देर इज रेगुलर ग्रेडेशन। देखो ये रेगुलर ग्रेड है, रेगुलर ग्रेडेशन, GRADA, रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी सबसे हाई है, उसके बाद वेलोसिटी कम होती जा रही है, ठीक है ना। वेलोसिटी इज गोइंग फ्रॉम वन लेयर टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड लैमिनर फ्लो। तो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है इसमें, इसे हम बोलते हैं लैमिनर फ्लो, जिसमें वेलोसिटी बीच में सबसे हाई होती है और साइड आते 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 लास्ट में वेलोसिटी सबसे कम हो जाती है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो वजह है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं कि इस डायग्राम के थ्रू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरह का एक डायग्राम बना लो, जो मैं अच्छी तरह से आपको बता दूँ। रेड कलर, रेड कलर का मतलब ये वही पाइप है, थोड़ा सा हम जूम करेंगे इसको, ये रेड कलर का मतलब ये वही पाइप है, और यहाँ पर, यहाँ पर जो दूसरा रेड कलर है आपका, ये यहाँ पे ये पाइप यहाँ ख़त्म होता है। तो यहाँ पर जो बीच में आपके क्या होते हैं, ये इस तरीके से लेयर को हम ऐसे दिखा रहे हैं, इस बार हम लेयर को, ठीक है ना, एक लेयर ये है आपकी, फिर इसी तरीके से एक लेयर यहाँ पे आपकी ये है, ये दूसरी लेयर है, ठीक है, और ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें तो एक लेयर और है, ठीक है, ये लेयर आपकी इस तरफ है, ये है आपकी एक लेयर। अब इस लेयर का कुछ एरिया भी होता है, ठीक है, तो ये एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं साइड की यहाँ की बात करूँ तो
जाहिर सी बात है यहाँ पर जो बीच में आते 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 मान लेते हैं कि ये वाला जो एरिया है, ये वाली जो ऊपर वाली लेयर है ये बीच में है सबसे, और ये जैसे पास में है, तो बीच की जो स्पीड होगी वो सबसे ज़्यादा होगी स्पीड, ठीक है ना। अगर मान लो ये आपका क्या है वी माइनस में डी वी, ठीक है ना, ये है, तो अगली लेयर की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी आपकी क्या डी, और उससे अगली लेयर की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी आपकी सॉरी ये वी, और यहाँ जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी आपकी वी प्लस डी वी, यानी सबसे ज्यादा स्पीड तो इसकी मानी जाएगी, ठीक है ना। ये जो बीच वाली लेयर है इसकी स्पीड सबसे तेज होगी, और जैसे जैसे पास में आते हैं स्पीड क्या होती है यानी वेलोसिटी क्या हो जाती चली जाती है, कम होती चली जाती है, ठीक है। बस इतना समझ लो आप, इन दोनों लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम डीएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे वी यानी आपका या डीवी यानी चेंज इन वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एरिया है, ठीक है, सिर्फ इतना। अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है इसको समझना है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला बोलता है कि इस तरीके से, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया। देखो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा फ्रैक्शन होगी, यानी एरिया बढ़ने पर फ्रिक्शन जो है, एफ यहाँ पर फ्रिक्शन को मानना है हमें, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ, और ये है आपका एरिया, एरिया बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, वेलोसिटी डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा, वेलोसिटी डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पर, मान लो एक की वेलोसिटी कम है एक की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वो जो कम है वो ज़्यादा वाले को भागने नहीं देगी। ये तो वो वाला हाल हो गया कि दो फ्रेंड हाथ पकड़ के आपस में भाग रहे हैं, एक की स्पीड ज़्यादा तेज है एक की स्लो है, तो स्लो वाला क्या करेगा, वो तेज स्पीड वाले को भी स्लो कर देगा। यानी अगर आपका चेंज इन वेलोसिटी जो है, डिफरेंस जो वेलोसिटी में डिफरेंस है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन और ज़्यादा होगा, और दोनों की स्पीड मान लो बिल्कुल तेज है तो फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी कम है तो फ्रिक्शन भी कम है। ओके, लास्ट में आता है आपका डिस्टेंस यानी डीएक्स। डीएक्स सोचो, अगर ये एक लेयर दूसरी लेयर से ज़्यादा दूरी पर है तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होगा, और बड़ी आसानी से ये जो क्या मूव हो सकती है, तो ये फॉर्मूला है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इक्वल कर दूं इसको तो यहाँ पर जो ये कॉफिशियंट आएगा वो इक्वल होगा किसके, ए डी वी बाई डी एक्स के, ठीक है ना। तो इसी कॉफिशियंट का जो नाम है वो रखा गया है कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम बोलेंगे कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब यानी एक और डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, क्या कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी आपको कैसे डिफाइन करोगे, सोचो। अगर एरिया वन हो जाए, डी वी वन हो जाए, डी एक्स वन हो जाए, तो होगा क्या, कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी सीधा सीधा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी में भी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन डाइन, ठीक है ना, रिक्वायर टू मेंटेन ए वेलोसिटी डिफरेंस 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड बिटवीन टू पैरेलल लेयर, और जो दो पैरेलल लेयर है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ईच हैविंग सरफेस एरिया, जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो है एन की वैल्यू वो किसके इक्वल हो जाएगी, अगर सभी वैल्यू को इक्वल कर दे तो ए है वो एफ के, जो ये वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका एफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन होगी। अब अगला, ये अगर हम कर भी लें तो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, एसआई यूनिट का क्या करोगे, एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना। तो विस्कोसिटी की एसआई यूनिट जो है वो कई पॉइस भी लिख देते हैं, पॉइस एक साइंटिस्ट के नाम पे जिसका नाम था पॉइस विल, तो ये पॉइस विल के नाम पे जो है हमें ये यूनिट जो है POISE पॉइस नहीं लिखनी है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से यूनिट यहाँ की कॉफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी की निकालने की कोशिश करूँ तो मैं ऐसा यूनिट निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से ये आ जाएगी आपकी कॉफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू एफ इंटू में डी एक्स डिवाइडेड बाई एरिया इंटू में डी वी, और यहाँ एक एक की ऐसा यूनिट अगर मैं लिखता हूँ तो फोर्स किस में है आपका न्यूटन, डिस्टेंस किस में आपकी मैं मेजर करूँ मीटर, डिवाइड बाई एरिया मीटर स्क्वेयर, और जो वेलोसिटी है ये मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से मीटर कैंसिल आउट एंड योर आंसर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर और सेकेंड, ठीक है ना। इसे हम कह सकते हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वेयर, तो ये इसकी एसआई यूनिट आपको एग्जाम में लिखनी है, अगर वो एसआई यूनिट पूछता है तो। न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर सबको पता है, ये प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर है, तो इसको हम और भी बोल सकते हैं पास्कल सेकेंड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको पास्कल सेकेंड का नाम दे सकते हैं, और डाइन में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पूरी एसआई जो यूनिट है
लेकिन वो ऐसा यूनिट नहीं मानी जाएगी, उसको नॉर्मल हम यूनिट बोल सकते हैं, तो डाइन में भी कैलकुलेट कर की जा सकती है ये, ठीक है। और अगर आगे इसकी बात आए कि कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, तो फैक्टर की बात करें तो पहला फैक्टर जो इसको अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई, ठीक है ना, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो उसको ओवरकम कर जाएगा, यानी आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स दो लेयर के बीच में कमजोर पड़ गया तो आपकी जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। अच्छा, दूसरे फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली है पहले फैक्टर में ही, क्या अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर भी राइज कर देते हो तो ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि आपकी विस्कोसिटी है वो क्या 2% डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। विद ईच राइज ऑफ 1 डिग्री टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीज बाई 2%। ओके, द सेकेंड फैक्टर अगर मैं यहाँ डिस्कस करूँ तो वो है आपका कौन सा, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल अगर कहीं पे आते हैं तो आपकी जो विस्कोसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी अगर मैं कहूँ आपको वेजिटेबल ऑयल है, ये वेजिटेबल ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, मशीन ऑयल है, ये जितने भी ऑयल हैं, जितने भी मैंने बात करी, इसकी सभी के अंदर ऑयल के अंदर क्या, लॉन्ग चेन यानी हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन होती है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ये इतनी ज़्यादा हाई जाती है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो 600 टाइम विस्कोसिटी हो जाती है देन H2O पानी से, अगर हम 15 डिग्री सेल्सियस पर इसको ऑब्जर्व करें तो, ठीक है ना, तो इतनी ज़्यादा विस्कोसिटी हो जाती है इसकी। तो इस विस्कोसिटी के मामले में उम्मीद है आपको ये कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। जनरल लाइफ में भी इसका बड़ा एग्जांपल सामने आते हैं, जैसे एस्प्रिन की एक गोली है, इसको हर्ट पेशेंट, जिसको हर्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा है, तो हार्ट अटैक पेशेंट जो है वो एस्प्रिन की गोली लेते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड की जो थिकनेस है वो क्या हो जाती है, कम, यानी ब्लड क्लॉटिंग कम होती है, यानी ब्लड क्या हो जाता है आपका, थिन, यानी ब्लड की विस्कोसिटी क्या हो जाती है आपकी, कम, डिक्रीज। और ये तो करना था हमें, ठीक है ना, तो हार्ट अटैक पेशेंट जो है वो इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा H2O की विस्कोसिटी जो है वो हाई होती है किससे, CH3OH से। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी जो विस्कोसिटी है वो हाई होती है। तो उम्मीद है आपको ये आसान लगा होगा और समझ में भी आया होगा विस्कोसिटी का टॉपिक। थैंक यू सो मच, टेक केयर।